मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ हैं प्रियंवदा जी, जो एक एडवोकेट हैं। शी इज ऑल्सो ए लाइफ कोच जो इमोशनल वेलनेस पे काम करती हैं। उन्होंने अभी अभी एक लेट्स ब्रोच करके एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहाँ से वो काउंसलिंग करती हैं। तो आज प्रियंवदा जी से बात करेंगे और जानते हैं उनकी ब्यूटीफुल लाइफ की जर्नी के बारे में। शी इज वेरी पॉजिटिव, तो आई होप कि आपको भी बहुत मजा आएगा उनसे बात करने में। बहुत प्लीजेंट उनकी वॉइस है, बहुत ही पॉजिटिवली वो बात करते हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंस्पायरिंग वीमन सीरीज में। थैंक यू सो मच सोनिका जी। मेरे लिए भी एक बहुत ही खुशी की बात है कि आपने मुझे शामिल किया अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैम। जी मैम, आपके बचपन से शुरू करते हैं। थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपब्रिंगिंग कैसे थी आपकी। मेरे रूट्स सोनिका जी बिहार से हैं, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बिहार में थे और मेरी अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग वगैरह सब झारखंड में एक शहर है धनबाद, कोल माइंस के लिए बहुत पॉपुलर है। तो स्कूलिंग, अपब्रिंगिंग सारी चीजें वहां से हुई हैं और खुशनसीब गिनती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग बड़ी पॉजिटिव रही है। तो हर तरीके से सपोर्ट रहा है फैमिली का, और घर का माहौल भी ऐसा रहा कि कभी कुछ ना कमी महसूस हुई ना कमी फील कराई गई। जी मैम, बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के, जब कोई लड़की ऐसे बोलती है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग थी वो बहुत ही प्यारे से फैमिली में हुई है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, स्टडी में आपने क्या किया है। तो पढ़ाई में मैंने पढ़ाई की है, जैसा आपने बताया मैं एक क्वालिफाइड साइबर लॉयर हूँ। पढ़ाई का ऐसा है, इसे मैं अपने बचपन से जोड़ती हूँ कि हमारे परिवार में पढ़ाई की बहुत ही वैल्यू है। तो कभी ऐसा पढ़ाई के अलावा कुछ और करना है ये तो ऑप्शन ही नहीं था, पढ़ना तो है ही। तो मैंने 12th साइंस ही किया, उसके बाद फिर मैंने लॉ चूज किया। लॉ में मैंने 5 इयर्स कोर्स किया जामिया से, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया अपना साइबर लॉ में, और वो भी मैंने दिल्ली से ही किया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में मैं रजिस्टर्ड भी हूँ, लेकिन काउंसलिंग एक ऐसा पैशन था जो मुझे अपनी तरफ खींच के ले आया। तो शुरू से ही मैं काउंसलिंग में थी, और अब तो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो गया है, लेट्स ब्रोच। तो यही है, पढ़ाई की जर्नी यही थी। और घर वालों का ऐसा था कि पढ़ाई करनी ही है, मतलब ये नहीं है कि कुछ और छोटा मोटा करके तुम निकल लो, नहीं, करना है, अच्छे से पढ़ना है और एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए। तो दिल्ली में आप अकेले रहते थे मैम। हाँ सोनिका जी, मतलब 2002 में मैं आई थी यहाँ और हॉस्टल में थी, और घर वाले सब वहां थे, तो उन्होंने तो भेज दिया कि जाओ। बहुत मुश्किल था क्योंकि दिल्ली उस समय भी कैपिटल के अलावा अपने क्राइम के लिए पॉपुलर था, और आज भी ये है। उस समय ज्यादा हाइलाइटेड रहता था क्योंकि न्यूज चैनल्स, अगर आप ध्यान दीजिए तो 2000 के जो शुरुआती दौर था या पहले का भी, तो न्यूज चैनल सिर्फ दिल्ली पर ही फोकस करते थे, बाकी सिटीज बहुत कम कवर रहती थी। तो यहाँ जो छोटी सी बात होती थी वो बहुत बड़ी बन के दिखाई जाती थी। जब मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ था और मेरे पास दो ऑप्शंस थे, पुणे में सिम्बायसिस और दिल्ली से जामिया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी था जामिया, तो उसे ज्वाइन करना था। लेकिन काफी लोगों ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि दिल्ली भेज रहे हो लड़की को, अकेले कैसे रहेगी, अरे दिल्ली सही नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत थी जो मुझ में ट्रांसफर हुई और मैं आ गई यहाँ। बिल्कुल मैम, और ये हर पेरेंट को आई थिंक यहाँ से, ये जो भी इस वीडियो को देखे उनको ये सोचना चाहिए कि पेरेंट को जब अपनी बेटी पर भरोसा एक होता है, एक ट्रस्ट होता है कि नहीं हमारी बेटी अकेले भी संभाल सकती है चीजें, तो ये बहुत जरूरी है। हम डरते हैं लड़कियों को बाहर भेजने से, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स ने आपको अकेले भेजा, तभी आज आप, आपसे मिलने का मौका आज हमें मिला है, तभी आप इतना अच्छा आज कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगी,
एक होता है एडुकेट योर चाइल्ड और दूसरा होता है एम्पावर योर चाइल्ड। एडुकेट तो सब कर देते हैं, एम्पावर बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपको बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनमें वो शक्ति का संचार भी करना होता है कि आपके बच्चे उस पढ़ाई को यूज में ला सके। नहीं तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट और किताबी डिग्री सब सब हासिल कर लेंगे, लेकिन जिंदगी जीने के लिए एम्पावरमेंट जो चाहिए वो पेरेंट्स ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने ये बोली है, बहुत अच्छा एक मैं बोलूंगी कि मैसेज दिया है आपने। आपकी हॉबीज क्या क्या है ना? हॉबीज मेरी बहुत सारी हैं सोनिका जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे करना ना पसंद हो। तो छोटी छोटी चीजें, चाहे वो पेंटिंग हो या सिंगिंग कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत कविताएं लिखने का शौक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखती हूँ। और बाकी मेरा एक छोटा सा बहुत प्यारा सा परिवार है, तो दो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। तो मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग का बहुत शौक है, तो उनकी कंपेनियन भी हूँ। तो इसलिए ओके ट्रैवलिंग का भी कीड़ा काट चुका है मुझे उनके साथ साथ। तो हर चीज करने में मजा ही आता है। खाने खिलाने का भी शौक है, मतलब खाना खाने का भी शौक है और खिलाने का भी शौक है। तो हॉबीज तो आप बस नाम लीजिए, मैं बोल दूंगी हाँ मैं ये भी करती हूँ, हाँ मैं ये भी करती हूँ। मतलब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं बनाई अपने चारों तरफ की मुझे नहीं करना है, आपको मतलब सब कुछ एक्सप्लोर करना पसंद है। हाँ मुझे सब एक्सप्लोर करना, बस मुझसे ये नहीं होता कि आप जैसे एक जगह बैठ के मुझसे बोलिए कि चलो अब टीवी देख लेते हैं, तो मैं वो नहीं कर सकती। मतलब पता नहीं क्यों मुझे वो टीवी देखने में मजा नहीं बोरिंग आता। मुझे टीवी देखने में मजा नहीं आता। लेकिन हाँ बाकी चीजें जैसे पेंटिंग का आपसे पहले भी बात हुई थी, मैंने आपको जिक्र किया था कि पेंटिंग तो ऐसा है कि मैं सिर्फ कागज पर नहीं दीवारों पर भी पेंट कर देती हूँ। तो जी मैं वॉल पेंटिंग भी करती हूँ, वो भी मतलब छोटी छोटी नहीं, जैसे 8 फीट की दीवार को पूरा कलर कर दिया, तो उस पे भी अपनी चित्रकारी दिखा देती हूँ। जी मैम, करियर की शुरुआत कैसे हुई आपकी? करियर ऐसा तो था कि प्रोफेशनल डिग्री थी लॉ की, और मेरे साथ बड़ी अच्छी चीज हुई जिसे मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। मेरी शादी एक बड़ी अच्छी एज में हो गई, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ साथ बड़े हुए। तो इट वाज ओके कि हम लोग, मैं अपना लॉ कर रही थी और सेकेंड ईयर ऑफ लॉ में मेरी फोर्थ सेमेस्टर था, सेमेस्टर्स होते थे हमारे यहाँ, तो फोर्थ सेमेस्टर में मेरी शादी तय हो गई थी और फिफ्थ सेमेस्टर तक मेरी शादी हो गई थी। तो बाई 21 मेरी शादी हो गई थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की और अपने सारे कोर्सेज, अपनी सारी डिग्री समय पर कंप्लीट की। तो प्रोफेशनल डिग्री तो थी ही मेरे पास लॉ की, तो ऐसा नहीं था कि शुरू करना है कुछ ढूंढ के, लेकिन एज अ काउंसलर, एज अ लाइफ कोच, बड़े मजे से और बहुत ही जल्दी जिंदगी शुरू हो गई थी। तो क्या जी होता है कि डॉक्टर्स और लॉयर्स आपको जहां दिखते हैं ना, आपको अपनी कुछ कुछ परेशानियां याद आ जाती हैं। वैसा ही मेरे साथ होता था, जहां किसी को पता चलता था अच्छा लॉयर हो आप, और उनकी कोई ना कोई चीज मुझ तक पहुंच जाती थी, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, कपल्स की इश्यूज हो, या बाकी प्राइवेट मैटर्स कुछ हो। तो लोग, जब लोग खुलना शुरू करते थे तो मैं काउंसिल करना शुरू करती थी कि भाई ये नहीं सही है, ये सही है। तो वहां से इंटरेस्ट जागा, वहां से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया और ऑलमोस्ट अब तो 10 साल से ऊपर हो गए हैं काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग करते हुए। तो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट, जैसे मैंने बताया शादी जल्दी हो गई थी, तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड लंदन में थे और मैंने भी अपना ग्रेजुएशन खत्म किया और मैं उनके साथ चली गई थी वहाँ। और वहां क्या था कि हम सारे ना नए जोड़ी वाले लोग थे, नए नए कपल्स थे, नई कपल्स थी और जी। नए नए कपल्स थे, एग्जैक्टली 5-6 फैमिलीज थी जो क्लोज थी, फैमिलीज भी नहीं कहूंगी, सब नई नई नए नए फ्रेंड्स कपल्स थे, सर्कल 5-6। हाँ तो अब उसमें क्या होता था कि जहां कहीं किसी की लड़ाई हुई वहां मुझे बुला लिया जाता था। तो ओके वहां से मैंने अपना रिलेशनशिप काउंसलिंग का करियर शुरू किया। तो इट वॉजेंट लाइक मैं चार्ज कर रही थी,
लेकिन वहीं से मुझे लगा कि अच्छा ये कुछ ऐसा है जो मेरी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं और उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो रियलाइजेशन मुझे वहां हुआ था। फिर हम लोग जब वापस लौट कर आए इंडिया, तो मैंने कुछ कुछ कोर्सेज किए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, लाइफ कोचिंग के, डी एडिक्शन के, रिलेशनशिप के, पेरेंटिंग के, बिहेवियरल थेरेपीज के। तो वो जोड़ते 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 अब तो खैर अच्छा खासा फ्लैटर तैयार हो गया है। और लेकिन ये रुका नहीं है, इसमें भी अभी मैं जोड़ती ही जा रही हूँ। वो जो एक लर्निंग का एक पैशन है आपके अंदर के लिए रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है नया और करते जाना। हाँ, वो हमेशा मेरे ख्याल से हम सब में रहता है। कोई अगर गृहिणी भी है तो उनमें अगर आप देखेंगे छोटी सी चीज रहती है कि घर को कैसे सजाना है या नई रेसिपी कैसे, तो लर्निंग का पैशन सब में रहता है। बस ये है कि कोई किताबों में निकालता है, कोई कहीं और निकालता है। सीखते तो सब आपने रहते हैं। एक, जी मैम, आपने ना एक बहुत ही अलग बात मैंने देखी है, मैं वो बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया। एक्चुअली मेरे भी मतलब कुछ मेरे कजिन है एक्चुअली जो एडवोकेट हैं जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन जब भी कभी उनसे बात होती है वो केसेस के बारे में बात करते हैं, डिवोर्स केसेस भी वो हैंडल करते हैं। तो जब भी मैं उनसे बात करती हूँ वो मतलब वो इस तरह की बातें करते हैं कि मेरे पास ये केस आया है और मुझे इतने दिन में इसको निपटा के खत्म करना है, यू नो, कि मेरे पास ये केस आया है तो मुझे उनका डिवोर्स कराना है, इतने दिन में मेरी फी आ जाएगी ये सब। लेकिन आपसे मिलके मुझे मतलब इतना मुझे पॉजिटिव एक एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स आपसे आ रही है कि आप एक एडवोकेट हैं लेकिन आपके पास जो इस तरह के केसेस आते हैं आप उनको उल्टा इमोशनल इमोशनली उनको काउंसल काउंसल करते हो और उनको सही से समझाते हैं, यू नो, आपने मतलब जो वकील एक करता है वो वाला काम आपने छोड़ दिया है कहीं ना कहीं, और उनकी लाइफ को संवारने का काम आपने शुरू कर दिया है। हाँ, कोशिश यही है कि ह्यूमन मतलब जो इंसानों की जिंदगी होती है, मुझे लगता है हम सब ना एक मशीनी जिंदगी जीने लगे हैं। भूल गए हैं हम कि बाकी इमोशनल कनेक्ट्स भी होते हैं हमारे, और वो कनेक्ट्स, वो तार छूटने के चलते ही हम ऐसे बस यस नो में रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं और अपने आप को वैसा कर दिया। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आपके जो कजिन से आपके पहचान वाले हैं वो लोग सिर्फ प्रोफेशन को ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें भी वो चीजें छूती जरूर होंगी, परेशान वो भी होते होंगे, लेकिन उन्हें उससे कोप करना आ गया है कि वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली पे इम्पैक्ट ना करने दें। तो ये तो एक्सपीरियंस के साथ सब पारंगत हो जाते हैं। जी मैम, ओके, लेट्स ब्रोच की शुरुआत आपने करी तो लेट्स ब्रोच के बारे में कुछ बताइए कि कैसे पीपल आप मतलब जिस किसी को अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। वो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लेट्स ब्रोच, जैसा आपने बताया कि ये लोगों के इमोशनल वेलनेस यानी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। कोई मेडिकल प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ। हम लोग नॉर्मल थेरेपीज जो बातचीत करके या बस एक दूसरे से, हमारे अलग अलग थेरेपीज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को काम डाउन करने का, तो उस लेवल तक ही हम लोग हैंडल करते हैं। जैसे काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग, चाहे वो रिलेशनशिप हो या पेरेंटिंग इश्यूज हो। जैसे पेरेंट्स को क्या होता है, समझ में नहीं आता है, अपने बड़ों से हम लोग नुस्खे तो ले लेते हैं, रेमेडीज ले लेते हैं, लेकिन फिर उसे भी कैसे यूज करना है, या फिर जो पेरेंट्स के पेरेंट्स जो एडवाइस कर रहे हैं वो अपने टाइम का एडवाइस कर रहे हैं। उनके लिए अगर वीडियो गेम खराब था तो आज के पेरेंट्स भी ये कह रहे वीडियो गेम खराब है, लेकिन बच्चों के लिए ये कोविड लॉकडाउन में वो वीडियो गेम ही इकलौता जरिया बन गया था एंटरटेनमेंट के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं और सॉल्यूशंस हमारे आसपास भी मिल जाता है हमें, लेकिन हमें उसे अप्लाई करना नहीं आता है, या फिर जो एक दूसरे से सुनकर समझकर हम अपनी जिंदगी में घुसाने के लिए की कोशिश करते हैं वो हमारे सरकमस्टांसेस में फिट नहीं होता है। तो
ऐसे सिचुएशंस के लिए ही ये सब सोच कर ही मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। और मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि एक इंसान की जिंदगी से जुड़ा कोई भी सवाल हो या ऐसी कोई भी परेशानी हो, उस सब को हम लोग कोशिश करते हैं कि हैंडल करें। वो फैमिली लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या करियर काउंसलिंग हो या बिहेवियरल इश्यूज हो। तो लेट्स ब्रोच का अपना वेबसाइट है, हम लोग सोशल मीडिया पर भी हैं, मेरा फोन नंबर भी उसमें दिया हुआ है। और कांटेक्ट करने के लिए लोग letsbroach.com सर्च करेंगे तो आराम से सारे डिटेल्स उन्हें मिल जाएंगे, या गूगल भी कर लेंगे तो मैं मिल जाऊंगी उन्हें। तो ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट ओके रीच टू मी। ओके, आप इमोशनल वेलनेस पर काम करती हैं जैसा आपने बताया, तो कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जो कभी कभी होता है कि समथिंग स्पेशल होता है जो हमेशा हमें याद रहता है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे मैम? हाँ, ऐसे हर एक केस ना अपने आप में बड़ा ही यूनिक होता है, और हर परेशानी लगती सबको सेम ही है, लेकिन अपने टाइम में सबके लिए वो बड़ी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से आए, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, और उसमें से जो एक केस था जो मुझे एक सीख सिखा गया, वो कपल का केस था। और इनकी काउंसलिंग में मैंने जी जान सब कुछ लगा दिया था, दोनों में कुछ इश्यूज थे और दोनों साथ नहीं रहना चाह रहे थे। तो काफी, मतलब आप विश्वास नहीं करिएगा, ऑफलाइन इन पर्सनल काउंसलिंग मैंने 6-6 घंटे के लिए, जो मतलब 40 से 60 मिनट का मेरा एक सेशन होता है, लेकिन उस कपल की काउंसलिंग मैंने एक लगातार कई बार 6-6 घंटे एट अ रो की थी। और फिर भी रिजल्ट ऐसा था कि दे डिड नॉट गेट अलोंग, कुड नॉट गेट अलोंग। फिर वो लोग, उन लोगों ने अलग होने का फैसला लिया और वो अलग हो भी गए। लेकिन उससे मुझे एक बहुत बहुत ही छोटी सी बात नहीं कहूंगी मैं, बहुत अच्छी शिक्षा, गूढ़ जिसे कहते हैं ना, एकदम तो डीप रूटेड शिक्षा मिली। वो ये था कि हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि चीजें अगर बन जाएं, वापस से पहले जैसी हो जाए, तभी अच्छी होती हैं। जैसे अगर रिश्ते हैं तो जैसे बन गए हैं वैसे ही रहें, एकदम उसमें कोई चेंज ना आए। अगर कपल्स हैं तो कपल साथ में ही रहें इसके अलावा, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है कि मतलब अगर वैसा शादी हो गई है, साथ में है, तो वो साथ में रहने के लिए ही है। जहां अलग होने की बात आती है, हमें लगता है नहीं नहीं यार ये कैसे हो सकता है। तो कुछ साल पहले तक, ये केस आने से पहले तक मुझे भी यही लगता था कि भाई अगर कोई रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए मेरे पास आया है तो वो मेरे लिए सक्सेसफुल केस तभी बनेगा जब वो दोनों वापस में पहले जैसा साथ में रहने लगे। लेकिन इस केस के बाद मुझे ऐसा लगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कपल साथ में ही रहे, कोई जरूरी नहीं एक एक दूसरे के साथ रह कर वो कुड़हन के साथ, घुटन के साथ एक दूसरे को हेट करके जिंदगी जीने से ज्यादा अच्छा है कि आप अलग-अलग हो जाओ और दोनों अपनी अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लाइफ अच्छे से जियो। तब दो जिंदगियां बच जाएंगी और वो भी एक तरह का सक्सेस है। कोई जरूरी नहीं कि वापस कमरे में ढकेल दिया और नहीं अब साथ ही रहना है घर पे, वही सक्सेस है। अगर नहीं बन रही है और समय रहते ये लोगों को समझ में आ रहा है तो दिस इज ऑल्सो सक्सेस। ये शिक्षा मिली थी बिल्कुल मुझे मैम, इसमें। आपने हाँ बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हम हमें खुद भी लगता है कि नहीं, थोड़े दिन अगर हम निकाल देते हैं रिलेशनशिप में या फिर कुछ इश्यूज सबकी लाइफ में आते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है लाइफ में जिनको कवर करना आई थिंक मुश्किल होता है। फिर कुछ भी करो मतलब वो बंदे दो साथ नहीं रह सकते हैं जैसे आपने अभी बताया, तो कभी कभी ये भी एक अच्छा रास्ता होता है दोनों के लिए कि अलग ही हो जाए तो शायद दोनों खुश रह पाए। तो खुश रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक। खुश रहना और कंटेंट रहना बहुत जरूरी है।
इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारे आए यही सोच के कि हमें अलग ही होना है, ऐसा नहीं है। जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वहां तो डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश रहती है कि चीजें सुधर जाएं। लेकिन आपके साथ जो घट रहा है, आपके साथ जो मतलब जो चीज आपको पुल बैक कर रही है, उस चीज से बाहर निकलना भी एक रास्ता हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो परफेक्ट है, वो बेस्ट है, लेकिन वो भी एक रास्ता है जो हम लोग नहीं सोचते। मैं भी पहले एज इवन बीइंग अ काउंसलर, ट्रेन्ड सर्टिफाइड कोच होने के बावजूद मैं इस एंगल से नहीं सोचती थी कि रास्ता, इट इज नॉट नेसेसरी कि रास्ता एक ही है, उसी पर चलना, रास्ते कई हैं, उसमें से ये भी एक रास्ता है। तो इस ऑप्शन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे जिस तरह के केसेस आपके साथ आपके पास आते हैं, तो सारे केसेस यू नो के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है तभी लोग आपके पास आते हैं, तो आप अपने आप को कैसे कूल डाउन रखते हो जब मतलब डेली जिस तरह के केसेस आप हैंडल करते हैं, तो अपने आप को कूल डाउन रखने के लिए आप क्या करते हैं? मैंने आपको बताया कि हर प्रोफेशन का एक एक्सपीरियंस है, एक समय आ जाता है जब लोग उस चीज से कोप अप करना सीख जाते हैं, और हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है। कोई कुछ करके को मतलब उस जोन से बाहर निकलता है, कोई शांत रह के उस जोन से बाहर निकलता है। तो जब मैंने शुरू किया था तब मुझे मुझे भी लगता था कि मैं किसे बताऊं, कैसे बताऊं, किससे शेयर करूं, क्योंकि प्रोफेशन भी ऐसा है कि इसमें प्राइवेसी भी बहुत जरूरी है। कि बिल्कुल पहली चीज जो मैं अपने क्लाइंट्स को प्रॉमिस करती हूँ वो है कि भाई आपकी प्राइवेसी बरकरार रहेगी, आपको जो बोलना है आप खुलकर बोलिए, बात मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चलने वाली है। तो उस समय शुरू शुरू में मुझे भी बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब तक हम बांटे नहीं, चाहे सुख हो या दुख या परेशानी, तब तक हम अपने आप को हल्का नहीं समझते। और काउंसलर के साथ होता है कि जब हम आधा घंटा एक घंटा किसी के साथ उसकी परेशानी में घुस के रहते हैं ना, तो हमें लगता है वो परेशानी हमारी खुद की हमारी है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन अगर जैसे बहुत डिस्टर्बिंग केस होता है तो मुझे आधा घंटा तो कम से कम चाहिए कि मैं अकेले अपने खुद के साथ समय बिताऊं, उसके बाद ही मैं किसी से इंटरेक्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं करती हूँ, ताला लगा लेती हूँ क्योंकि ओके परेशानी में बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि मैं वो बात किसी से बांट लूं। तो उस समय अगर वो आधे घंटे अगर किसी का कॉल आता है या कोई बातचीत होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम कुछ ना करूं, और उसके बाद ही जब मैं उस मूड मोड में आ जाती हूँ कि ठीक है अब नहीं, मतलब अब मैं सही हो चुकी हूँ, अब वो चीज मुझे अफेक्ट नहीं कर रही है, तब फिर मैं वापस से इंटरेक्शन और नॉर्मल होना शुरू कर देती हूँ। ओके मैम, ज्यादा केसेस किस टाइप के आते हैं? जैसे आपने बताया 10 साल का करियर आपका हो चुका है काउंसलिंग का, तो किस टाइप के ज्यादा केसेस आप हैंडल कर चुकी हैं? रिलेशनशिप काउंसलिंग के बहुत सारे केसेस आते थे, अभी भी आते हैं, और स्पेशली ये 2 साल पैंडेमिक में जब सबको साथ रहना रहने का मौका मिला तो लोगों को परेशानियां दिखने लगी एक दूसरे में, तो वो हुआ। फिर मुझे पेरेंटिंग के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, पेरेंटिंग इश्यूज, कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें, क्या करें, 3 बच्चों के साथ अलग तरीके से पेश आना है, टॉडलर्स के साथ अलग तरीके से पेश आना है। आजकल एक नया टर्म पॉपअप हो रहा है, ट्वीन्स, जो टीन्स से 2 साल पहले मतलब 10-11 साल के बच्चे ट्वीन्स हो जाते हैं और उनमें टीनेजर वाले ट्रेट्स दिखने आते हैं। तो ये सारे जो एज ब्रैकेट्स हैं, हर एज ब्रैकेट की अलग परेशानी होती है, तो इस टाइप के केसेस ज्यादा आते हैं रोजमर्रा के। और नया एक ये भी शुरू हुआ है कि जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और सिर्फ घर में बंधा बंधा फील हो रहा है, काम घर काम घर, तो डिप्रेशन में जाने लगे हैं डिप्रेशन में जा चुके हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग। एग्जैक्टली, तो वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी।
तो पैंडमिक का फायदा उठाते हुए मैंने पहले तो मैं इंडिविजुअल सेशंस करती थी, तो मैंने अभी रिसेंटली मतलब 6 महीने हुए मैंने ग्रुप सेशंस लॉन्च किया। तो उसमें मैं दो चीजें कवर करती हूँ, एक तो दूसरा जैसे साइबर लॉयर हूँ मैं, तो साइबर सेफ्टी मेरा पैशन है, तो मैं बच्चों के लिए साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के वर्कशॉप्स कंडक्ट कराती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा हैं, क्लासेस और स्कूल का बहाना लेकर, ट्यूशन का बहाना लेकर, तो उनके लिए सेफ कैसे रहना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी नहीं उस चीज में, अब कहते हैं ना डॉक्टर ही इलाज बता सकता है, हर कोई नहीं बता सकता। और दूसरा मैंने ग्रुप सेशंस शुरू किया जो थेरेपी है थ्रू स्टोरीज, तो उसमें स्टोरी टेलिंग है, और ये मैंने बस यही सोचकर शुरू किया था कि बहुत सारे इश्यूज हमारे जो होते हैं वो सरफेस लेवल पर होते हैं, उसके लिए एक अलग से इंडिविजुअलाइज्ड सेशन की जरूरत नहीं है। तो बहुत ऊपरी ऊपरी चीजें होती हैं जो नॉर्मल बातचीत में ग्रुप में भी हील हो सकती हैं, तो यही सोच के मैंने इसे ऐसे प्लान किया कि एक एक इमोशन करके मैं डील करती हूँ, जैसे एग्जांपल एंगर है, तो एंगर से रिलेटेड स्टोरी रहती है, फिर उसके बाद एंगर कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे मैनेज करना है ये बताती हूँ, और अगर किसी को हिट कर जाता है तो उसे उपाय भी मिल जाता है, फिर उसे मेरे साथ अलग से इंडिपेंडेंट सेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जी मैम, ओके। तो जब केस आते हैं इस तरह के, या फिर पेरेंटिंग वाला, जैसे आपने बताया कि साइबर वाले केसेस ज्यादा आते हैं, तो कितना एक टाइम लगता है, मतलब इस तरह के केस को डील करने में कितने सेशंस सारी आपको लेने पड़ते हैं? हाँ, तो जो सारी चीज ये ना नंबर वैसा सेट नहीं होता है कि आप 2 टैबलेट खाइएगा और आप सही हो जाइएगा, तो ये एंटीबायोटिक वाला डोज हिसाब किताब नहीं है। जो सेशंस रहते हैं वो आपको फर्स्ट डे से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, अगर अगर आप उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा। लाइफ कोच का काम क्या होता है कि हम आपको सिर्फ उपाय बता सकते हैं, करना आपने खुद से, क्योंकि हम आपको कोई गोली नहीं दे रहे हैं कि वो खाइएगा और आपके बॉडी और आपके बिहेवियर में चेंजेस हो जाएंगे। इट इज जस्ट दैट हम एक प्लान बना रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं जिस पर जो भी इंडिविजुअल है उसे खुद से चलना होता है। तो फर्स्ट फर्स्ट सेशन से रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद डिपेंडिंग कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कैसे आप उसे हैंडल कर रहे हो, तो उस पे आपके नंबर ऑफ सेशंस पर डिपेंड करते हैं कि डिपेंड करते। कितना एग्जैक्ट है। ओके मैम, तो अभी लेट्स ब्रोच की शुरुआत तो आपने कर दी है, तो अभी आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उसको लेकर? अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लॉन्च करने वाली, मैं क्या क्या कर रही हूँ ये तो मैंने आपको बता दिया, ग्रुप सेशंस भी हो रहे हैं, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म्स पर भी जाती हूँ, वहाँ भी मैं कंडक्ट करती हूँ अपने सेशंस इमोशनल वेलनेस पर, चाहे वो थेरेपी थ्रू स्टोरीज हो, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए किया, फिर एक दो तीन कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए किया है, तो वो सब तो मैं कर ही रही हूँ। अभी हमारी लेट्स ब्रोच की एनिवर्सरी आने वाली है और उस पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लॉन्च करने वाली हूँ जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, थोड़ा सा उसमें और ओके ग्राउंड थोड़ा सा ग्राउंड वेट वर्क करना और पड़ेगा। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, अक्टूबर 1st या 2nd वीक में दशहरा दशहरे के दिन वो लॉन्च हो जाएगा, और तो प्लीज आप वेबसाइट पर आइए, आपको भी पता चल जाएगा, बट आई बिल्कुल प्रॉमिस इट इज बिल्कुल, वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग, तो इमोशनल वेलनेस ही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इमोशनली हैंडल करना किसी को, यू नो। जैसे मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों से जब जब वो एक अलग ही जोन में चला जाता है, मेरा जो छोटे वाला बेटा है, इतना जिद्दी वो है, एज ए मदर मैं उसको नहीं डील कर पाती हूँ। तो एज ए काउंसलर, यू नो, मुझे मतलब मैं समझ सकती हूँ कि किस अलग अलग तरह के इमोशनल लेवल को आप डील करते होंगे, तो बिल्कुल भी मैं कहूँगी आसान तो नहीं होगा। नहीं,
आपने एकदम सही बात बोली सोनिका जी, बिल्कुल आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं, नहीं है क्योंकि इमोशनली। और क्या होता है, जैसे जो जाने पहचाने क्लाइंट्स आ रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने कोई सेशन लिया तो आपको पता चल गया क्या है, लेकिन जो पहली बार सेशन लेने आता है वो लोग खुलते भी नहीं है। दूसरी बात, वो लोग पहले काउंसलर्स को जज करते हैं, तो जो पहला सेशन होता है वो मेरा एग्जाम होता है जो मैं देती हूँ सेकेंड बिल्कुल सेशन से, इसलिए मैंने ये बोल तो दिया कि आपको रिजल्ट फर्स्ट सेशन से मिलेगा, लेकिन एक्चुअली पहले सेशन में रिजल्ट मुझे मिलता है, तो सेकेंड सेशन से फिर रिजल्ट मेरे क्लाइंट्स को मिलता है, क्योंकि पहले सेशन में मैं एग्जाम देती हूँ, वो लोग मुझे जज करने आते हैं। जी मैम, जो प्लेटफॉर्म है वीमन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, तो इस प्लेटफॉर्म से आप विमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैंने ये बहुत अच्छी बात है, मेरी फेवरेट। तो विमेन को मैं सबसे पहला तो मैसेज ये देना चाहूंगी कि मैंने बोल तो दिया कि आप परेशानी में खड़े हो जाइए, सहारा 10 मिल जाएगा, तो एक दूसरे का सहारा बने, बिल्कुल एक दूसरे का सपोर्ट बने, वो बहुत जरूरी है। और एम्पावरमेंट तभी आती है जब आप एडुकेटेड होते हैं, जब आप अपने चारों तरफ वो दिया जलाते हैं कि आपके आसपास के लोगों को भी वो साहस मिले। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जिंदगी में सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो चीज ना मिली वो आप दूसरे को फैसिलिटेट करवा दें। ये ना सोचे कि मैंने नहीं किया तो वो भी ना करे, ये सोचा अच्छा मैंने नहीं किया कोई बात नहीं, अगर उसके लिए पॉसिबल है और मैं जरिया बन सकती हूं तो मैं मदद कर देती हूँ। हाउ ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया है। थैंक ठीक है यू। मैम, बहुत ब्यूटीफुल सेशन रहा आपके साथ, बहुत पॉजिटिविटी मुझे मिली है। लास्ट में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पोएट्री भी लिखती हैं, आप क्लासिकल सिंगर भी हैं, तो कोई भी फेवरेट आपकी दो लाइन सुना दीजिए मैम। कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग या कोई भी आपकी पोएट्री की दो फेवरेट लाइन, कुछ भी मतलब। मैं सोच रही हूँ, मुझे ढूंढ के लाना पड़ेगा। आप ही की अगर कुछ है बात तो आप बता दीजिए, मैं गुनगुना देती हूँ। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, अभी देखिए मुझे भी याद नहीं आएगा इतने टाइम पे। अच्छा, मैं सुनाती हूँ आपको। मेरा बहुत ही, लेकिन मैं सिर्फ दो लाइन एकदम गिन के, वन जी टू जी उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल तो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, बिल्कुल मैम। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। थैंक यू वाओ सो मच। मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मतलब दो लाइन सुनाई, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने सुनाया है, बहुत ब्यूटीफुल आपके साथ आज का सेशन रहा। इसी के साथ आज प्रियंवदा जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू नमस्कार। सो मच।